हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बनाने वाले हैं माइक्रोवेव केक। सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो फर्स्टली वी नीड टू टेक अ बोल एंड उसमें हमने डालना है 1 कप मैदा एंड 1/2 कप शुगर अलॉन्ग विद 1/4 कप प्लस 1 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर। After mixing all the dry ingredients, we need to add 1/2 cup of warm water and simultaneously भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, and then 1/2 cup of warm milk, and इसको डालने के बाद you need to mix it properly with a spatula. Now in the batter, add 1/4 cup of oil and once again mix it properly. ऑयल को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक स्मूथ बैटर बन जाएगा एंड देन यू नीड टू ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड पिंच ऑफ सॉल्ट के बाद यू नीड टू ऐड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। सो हेयर्स अ टिप कि ये एंड में क्यों डालते हैं, अगर आप इनको पहले डाल दोगे ये पहले एक्टिवेट हो जाएंगे एंड जब बेक करोगे तो आपका बेक अच्छे से नहीं हो पाएगा, स्पॉन्जी नहीं बनेगा। सो दैट्स द रीजन। तो देन आफ्टर मिक्सिंग दोज टू प्रोडक्ट्स यू नीड टू ऐड 1 टीस्पून ऑफ विनेगर एंड आप देख सकते हैं कैसे बबल्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप पहले ही बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाल देते तो बबल्स ऐसे क्रिएट नहीं होते। नाउ यू नीड टू मिक्स टिल द टाइम यू सी लम्प्स एंड देन इन अ माइक्रोवेव सेफ बोल यू नीड टू ग्रीस दैट बोल एंड देन यू नीड टू पोर द बैटर। इसके बाद आपको 4 to 5 मिनट्स अपने केक को माइक्रोवेव करना है एंड देन इसके बाद भी आपको लगे कि आपका केक अच्छे से बेक नहीं हुआ है तो देन यू कैन बेक इट फॉर अनदर 30 सेकेंड्स। अगर हमारा स्क्यूअर क्लीन है तो इसका ये मतलब है कि हमारा केक फुली बेक्ड है एंड देन आई एम एडिंग सम चोको चिप्स एंड देन नाउ यू कैन सर्व इट विद आइसक्रीम और चॉकलेट गनाश, और आप इसको ऐसे भी खा सकते हो कि काफ़ी स्पॉन्जी है एंड इफ़ यू वांट टू स्टोर इट यू कैन स्टोर इट इन एन एयर टाइट कंटेनर फॉर अबाउट 3 to 4 days, नॉट मोर देन दैट। So don't forget to try out this easiest cake recipe. I hope you like my video. Do like, share and subscribe and don't forget to comment what you want to see next.